वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज़ में। आज बात करते हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करते हैं कि अगर मान लो आप किसी भी काम की वजह से आप गांव में रहने वाले हो या सिटी में जा रहे हो, तो पुलिस वाले अगर ट्रैफिक पुलिस वाले, पहले तो आप ही समझ लें, अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो टू व्हीलर या फोर व्हीलर, अगर वहाँ पे हर चेक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि कौन व्यक्ति आए उसका चालान काटे, लेकिन उनकी ड्यूटी है, लेकिन कौन सा अधिकारी आपका चालान काट सकता है ये भी आप समझ लें इस वीडियो से। क्योंकि सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आजकल सब पुलिस महकमे वाले, पुलिस हर कोई व्यक्ति, जैसे कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल आके चेकबुक चालान बुक लाए हो चालान काटने लग जाते। लेकिन आपको इसमें आपको मैं बता दूँ, चालान कौन सा व्यक्ति काट सकता है, किस लेवल का अधिकारी चालान काट सकता है, क्योंकि इसमें जो वन स्टार है ASI वो व्यक्ति या उससे ऊपर वाले व्यक्ति ही चालान काटने के लिए अधिकृत होते हैं ट्रैफिक पुलिस में नियम के अनुसार। लेकिन आजकल हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल ये सभी चालान बुक लेके खड़े रहते हैं। लेकिन आपको लीगली तौर पे बता दूँ कि ASI लेवल से उच्च अधिकारी आपकी गाड़ी का चालान काट सकते हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, अन्यथा कोई कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल चालान नहीं काट सकता। ये आप खुद गूगल पे या क्रोम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। और केवल जो सफ़ेद पोशाक पहनते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले ही चालान काट सकते हैं, ना कि अन्य कॉन्स्टेबल। जो आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े शहरों में तिराहों पे सफ़ेद वर्दी में ट्रैफिक पुलिस लिखा होता है और ट्रैफिक पुलिस वाले ही चालान काट सकते हैं, अन्य व्यक्ति चालान नहीं काट सकता। लेकिन आप चालान कटवाते क्यों? उनसे पूछिए कि आपका अधिकार है। अगर पुलिस वाला या हेड कॉन्स्टेबल कोई आपका चालान करता, आप पूछ सकते कि आपका अधिकार है या आप काट सकते हो। लेकिन आप जानते हो हर जगह हर डिपार्टमेंट में करप्शन। जैसे आप मान लो कहीं आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, वहाँ पर किसी भी ऑलरेडी किसी भी दलाल को आप पैसे दे दिए, घर बैठे आपके लाइसेंस आ जाएगा। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से कि आप उन जगह भी चौकियों उन जगहों पर भी ध्यान दीजिए जहाँ पर अगर बिना ड्राइविंग करे ही लाइसेंस आ रहा है तो वो व्यक्ति किस प्रकार रोड पे चला सकता है गाड़ी। वो अगर चलाएगा तो दुर्घटना करेगा, किसी को मारेगा, किसी को कुछ करेगा। इसलिए आप भी सुन लीजिए कि अगर लाइसेंस में गवर्नमेंट जो भी स्टडी, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि उन जगह भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बिना चलाए लाइसेंस आ रहा है दलालों के माध्यम से पैसे देखें। हम देखते हैं रोज की कोर्ट में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप चले जाइए हर पैसे रिश्वत दो सेटिंग हो जाती है और सारी चीज़ें आपके बनबना के आ जाती है, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से रोड पर ड्राइविंग कर सकता है। इसके पे ट्रैफिक पुलिस के बारे में आपको बता रहा था, पुलिस ASI लेवल का अधिकारी चालान काट सकता है, अन्यथा और उससे ऊपर वाले भी अधिकारी चालान काट। लेकिन आप अपने पास उनका अधिकार है, उनकी ड्यूटी है चालान काटने की, कि दुर्घटना को रोकने के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि वो चालान काट, ये गवर्नमेंट के नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी, आपको उन नियमों को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि जो नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो नियम बने हैं उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो उन नियमों को फॉलो करे। अन्यथा आप अभी अमेंडमेंट हुआ है बिल 2019 में, और कड़े प्रावधान कर दिए और ज़्यादा जुर्माना कर दिया है। इसलिए अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को मजबूरन आपका चालान काटना पड़ेगा, क्योंकि वह चाहते हैं पुलिस वाले कि आप हेलमेट पहनिए, आपके पास RC ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन कार्ड, ये सब अब आपके पास होंगे तो वो पुलिस वाले भी चालान नहीं काटेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपन इस तरह से खड़े हैं तो वो सुनकर ये सारी चीज़ें अपने पास रखें, और सारी चीज़ें रखने के बाद शुक्र हो हेलमेट पहनने से दुर्घटना से बचे, किसी व्यक्ति की जान बच जाए,
यही पुलिस वाले चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आओ आप और हम चालान कटा दो और हमारे जेब में पैसे जाएंगे। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि आप खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। अगर आप इस तरह से गलतियाँ करोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चीज़ों के साथ नहीं रख सकते हो तो आप अभी हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल लॉकर को भी मान्यता दी है। डिजिटल लॉकर एक, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, डिजिटल लॉकर वहाँ से डाउनलोड करके उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं, वो भी मान्य है। अगर आप जेब में या किसी गाड़ी में आप नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, वो भी डिजिटल लॉकर में भी आपकी कॉपियाँ जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है, ये भी भारत सरकार ने मान्यता दी। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आप कोई भी पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस वाला ये सुनकर, ये सब कुछ देखकर आपको जाने के लिए कह देगा। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति कहता है कि पकड़ लेंगे तो चलो, कोई पकड़ लेगा तो उसे 100-200 रुपये दे के, रिश्वत में दे के अपने चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहाँ तक लोगे? जैसे मान लो यहाँ पुलिस वालों ने आपको, ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आपने 100 रुपये दे दिए और चल दिए, फिर आगे किसी दूसरे ट्रैफिक पुलिस वाले को कहाँ तक आप दोगे? इसलिए आप रिश्वत का चक्कर छोड़िए, ना रिश्वत दीजिए ना लीजिए। लेकिन आप अपने मानव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें सब कुछ आप अपने पास रखोगे तो कोई भी पुलिस वाला, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट, क्योंकि वो दूर से ही देख लेगा कि इन्होंने हेलमेट पहन कर, ये सुनकर, ये देख कर ही वो आपको नहीं रोक सकेगा। इसलिए मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार ने जो नियम बनाए उनका फॉलो करें, उनका पालन करें। अगर आप इस सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो पुलिस क्या कोई भी अधिकारी देखकर आप या सुनकर या बताकर वो सारी चीज़ें देखकर भी वो उस व्यक्ति को नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास हर डॉक्यूमेंट्स है, हर प्रूफ है। आप अपनी साइड में जाइए, अपना काम से काम रखिए, सारी चीज़ें आप रखोगे तो कोई भी आप। इसलिए मैं चाहता हूँ, 207 एक्ट में बहुत सारी गाड़ी जब्त हो जाती है, क्यों होती है? इस कारण से ही होती है कि किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, किसी के पास आरसी नहीं है, किसी के पास डीएल नहीं है। सारी चीज़ें नहीं होने के कारण ही पुलिस को मजबूरन आपके ऊपर चालान करना पड़ता है। इसलिए मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप हमेशा अपने पास हर डॉक्यूमेंट्स रखिए, सारी चीज़ें आप रखोगे तो कोई भी आपका चालान नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी। अगर ये सारी चीज़ होने के बाद आपका चालान करते तो आप एसपी ऑफिस में मेल, ऑनलाइन मेल भी उसके नाम देख लीजिए, कौन पुलिस वाला है, उसकी मेल शिकायत कर सकते। इसलिए अगर ये सारी चीज़ें आपके होने के बाद आप तो कोई उंगली नहीं उठाता, नहीं कोई आपका चालान काटता, लेकिन हेलमेट क्यों लगे अपनी सुरक्षा के लिए? इसलिए मैं कहने का मतलब ये कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। और इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।